चावल होने के लिए मतलब मनाना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं नेपाल, और नेपाल में बहुत ही प्रसिद्ध जगह है झिलमिला ताल। तो आज का पूरा ब्लॉग झिलमिला ताल के ऊपर है, तो बने रहिए मेरे साथ। और बहुत ही शानदार जगह है, वहाँ की अपनी पौराणिक कथाएँ हैं। तो अभी हम लोग बाइक पर हैं और झिलमिला ताल के लिए निकल चुके हैं, बताएंगे झिलमिला ताल के बारे में पूरा। बहुत ही मस्ती कर रहा हूँ बाइक से, बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन टूटे फूटे रास्ते हैं, कोई बात नहीं। जगह इतनी शानदार है, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। परीक्षित सिंह भी हैं और परीक्षित सिंह पहले जा चुके हैं वहाँ पे, तो इनसे बात करेंगे आगे चल के कि वहाँ पर कैसे जाएंगे, क्योंकि जंगल का एरिया है, काफ़ी डर भी लग रहा है। अभी मैं जंगल में हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कीचड़ है, रास्ता काफ़ी ख़राब है, बाइक रोक के उतर के निकलना पड़ा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना जंगल में ही थोड़ी बात की जाए और जाना जाए, क्योंकि परीक्षित सिंह हमारे साथ में हैं, वो साथ में चल रहे हैं झिलमिला ताल। तो वो पहले भी जा चुके हैं इस देव स्थान पर, और काफ़ी पौराणिक कथाएँ हैं वहाँ की, तो काफ़ी प्रसिद्ध देव स्थान है ये नेपाल का। लेकिन यहाँ जाएंगे कैसे? हाँ, क्योंकि हम लोग तो इंडिया से जा रहे हैं, तो इंडिया से लोग कैसे जाएंगे? अगर आप दिल्ली से मुरादाबाद होते हुए बरेली आते हैं, बरेली से पीलीभीत आते हैं, तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पीलीभीत से आप झिलमिला ताल कैसे जाएंगे, इसके बारे में हम जानेंगे परीक्षित सिंह से। तो परीक्षित सिंह जी बताइए, कैसे झिलमिला ताल पहुँचेंगे हम लोग? झिलमिला ताल जाने के लिए पीलीभीत से सबसे पहले आएंगे न्यूरिया, न्यूरिया से मझोला वाला जो रूट है अपना टनकपुर रोड, उससे न्यूरिया, मझोला, खटीमा, खटीमा के बाद बनवसा, बनवसा से रास्ता कटी है जो महेंद्र नगर के लिए, जो अब ब्रिज पूरा पार करके और महेंद्र नगर जाके, फिर महेंद्र नगर में अपना जो है इंडिया से नेपाल में जाने के लिए भंसार कटती है। भंसार में आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, गाड़ी के RC हो गई, आपका लाइसेंस हो गया, ये सारी चीज़ें लेके आपको एक भंसार, एक आप मान सकते हैं कि जैसे कि वैसे आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो वीज़ा बनता है, उस टाइप का एक आपका वो बनेगा, एक आपको रसीद कटेगी और रसीद आपकी विदाउट कास्ट होगी, आपकी कोई पैसा उसका नहीं जाता है। उसके बाद आप वो लेके पूरे नेपाल में घूम सकते हैं, और आपसे आपका महेंद्र नगर से करीब ऐसी होगा आपका 15-20 किलोमीटर करीब है जगह, और ऊपर पहाड़ पे ही चढ़ना होता है, महेंद्र नगर से ही चढ़ाई थोड़ी स्टार्ट हो जाती है थोड़ा आगे बढ़ते। तो रास्ता कैसा है? रास्ता बहुत ही ज़्यादा अभी डेवलप नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता है अभी, क्योंकि वहाँ पे नेपाल का एरिया है और नेपाल में तो वैसे भी सारी अभी इतना डेवलपमेंट नहीं है, रोड थोड़ा सा अब उसमें कच्ची रास्ताएँ हैं, पत्थर भी पड़े हुए हैं उसमें, और सबसे बड़ी जो रिस्की बात है कि उसमें कोई भी बैरिगेटिंग नहीं है, दोनों साइडों में विदाउट बैरिगेटिंग है, अगर कोई बड़ी केयरफुल जाना पड़ता है वहाँ पे। मगर जगह अच्छी है, जाना है, और पूरा पहाड़ की जो हम जहाँ पे झिलमिला ताल बना हुआ है वो पहाड़ की चोटी पे बना हुआ है, बिल्कुल टॉप पे, और बहुत अच्छी जगह है। आगे आप देखेंगे वीडियो में कि कैसा लग रहा है वहाँ का, सारा आपको दिखाते हैं आगे चल के। तो बहुत ही शानदार जगह है, पौराणिक कथाएं हैं वहाँ की, तो उन सब बातों में बात करेंगे, उन कथाओं के बारे में भी बात करेंगे कि ये देव स्थान क्यों प्रसिद्ध है नेपाल के अंदर। तो हम लोग इंडिया से नेपाल की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाने के लिए महेंद्र नगर से कोई बस वगैरह भी चलती नहीं? नहीं नहीं, बस वगैरह कोई नहीं चलती है, क्योंकि रास्ता इतनी ख़राब है कि अब हम अपनी बाइक ही से ही जा सकते हैं, बाइक से जाना ज़्यादा, क्योंकि वहाँ ऊपर बहुत बेकार रोड है, अब नहीं जा सकते, कोई भी ट्रैफिक नहीं चलता है, बस आपकी बाइक से ही जा सकते हैं। और हाँ, कुछ टाइमिंग है उसमें, मेला भी लगता है वहाँ पे। ओके जी, मेला भी लगता है, मेला भी लगता है, मतलब काफ़ी शानदार जगह है जी। देखने की इच्छाएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं इसके बारे में जान के, लेकिन कोई बात नहीं, अब क्योंकि हम लोग निकल पड़े हैं तो पहुँचेंगे, और सभी व्यूवर्स के लिए इस शानदार, इस महान स्थान के दर्शन जरूर कराएंगे। दोस्तों, अब ये जंगल का रास्ता है, काफ़ी सुनसान है, बताते हैं झिलमिला ताल के बारे में। झिलमिला जो ताल है वो बताते हैं, ये झील दिन में 7 बार रंग बदलती है, और यहाँ पर माँ पूर्णागिरी स्नान करने आती थी इस पावन झील में, और कहा जाता है कि इस झील का जुड़ाव महाभारत काल से भी है। यहाँ पर कहा जाता है कि आप झिलमिला माँ का मंदिर भी है, जहाँ पर पूजा अर्चना करके लोगों की मन्नत पूरी होती है। कुछ लोग इस झील को पांडवों की उत्पत्ति भी मानते हैं, कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ विश्राम के दौरान प्यास बुझाने को इस झील की उत्पत्ति की थी। ऐसा माना जाता है कि झील के ऊपर की पहाड़ी में भीम ने बड़े पत्थर पर घुटना मारकर पानी निकाला था, ये पत्थर आज भी यहाँ मौजूद है। तो झील में पत्थर चट्टा प्रजाति की मछलियाँ खासी तादाद में है। तो गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं झिलमिला ताल। चावल है, पता है ना, इन्हें मोबाइल।
लेकिन जंगल से निकलते ही हम लोगों को हेलमेट लगाना पड़ेगा, गाड़ी में साथ में ही है, और क्योंकि जंगल का एरिया इतना सुहाना था, इतना ज़बरदस्त मौसम है, अब बड़ा अच्छा लग रहा है, तो हेलमेट निकाल के इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हेलमेट लगा के फिर आगे बढ़ेंगे। और बाइक पे हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है, हेलमेट लगाना चाहिए क्योंकि हेलमेट ही आपकी सेफ्टी है। डबल हेलमेट के साथ चलें, क्योंकि पीलीभीत हो या यूपी हो या फिर नेपाल हो, आप दोनों लोगों के साथ हेलमेट होना चाहिए। काफ़ी रिस्की एरिया भी है और कानून भी यही कहता है कि दोनों सवार जो बाइक पे होते हैं दोनों लोगों के पास हेलमेट होना चाहिए।